टिहरी से खबर है। टिहरी में रक्षाबंधन के एक दिन पहले महिला कांग्रेस ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नई टिहरी में महिला कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं ने राखी बांधी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। मौके पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। सब महिलाओं ने, जो महिला कांग्रेस की महिलाएं हैं, उन्होंने तब सोचा कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये पवन त्यौहार होता है और इस पवन बेला पर कल सबके घर में ये त्यौहार होता है, तो हमने एक दिन पहले इसको किया। और आप सब लोगों को मैं बधाई देती हूँ, जितने भाई लोग हैं, जितने इस उत्तराखंड में, हम खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से हम ये कोरोना महामारी से बाहर निकले हैं, हमारे भाई, उनके परिवार, उनके बच्चे हमेशा सुखी रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें, ये दुआ मैं इस पवन पर्व पर देना चाहती हूँ। उत्तराखंड जिंदा है हमारी बहनों की वजह से, माँ की वजह से, बहू की वजह से, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करें, उनके सिर का बोझ कम करने का काम करें, उनके चेहरे पर मुस्कान हो। जिस तरह की स्थिति गांव में है, जन संवाद में मैंने देखी है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो आज उन्होंने बड़ी भारी जिम्मेदारी कांग्रेस के सभी साथियों पर डाल दी है। ये एक सिंबॉलिक है, खाली मेरा नहीं बल्कि पूरे जो कांग्रेस जन है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, ये उन तक के लिए एक रक्षा सूत्र भी है कि हमारा आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद अपनी माँ, अपनी बहन का होता है।